असम से हूँ, काल से हम लोग उपवास में हूँ, जंतर मंतर में उपवास में हूँ, क्योंकि असम और नॉर्थ ईस्ट में जो खतरा बीजेपी ने लाया है इसका खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग दिल्ली में पहुंच गया हूँ। जो संविधान है, हम लोग का संविधान का जो प्रस्तावना है इसमें इक्वेलिटी का बात, समानता का बात बताता है। हम लोग का इंडिया में, हम लोग का भारत में कभी कभी धर्मों का ऊपर भित्ति करके कभी नागरिकता नहीं दे सकता है, लेकिन जब बीजेपी आ गया के धर्मों का ऊपर भित्ति करके नागरिकता देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 लाया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 लाके बोलता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मुसलमान नहीं है, जो लोग हिंदू है, जो लोग क्रिश्चियन है, इस लोग के लिए इंडिया का जो नागरिकता ये खुला रहेगा। बोलता है बीजेपी ने, बोलता है कि वर्ल्ड में जो वो जो दुनिया में जितना हिंदू लोग है, हिंदू लोग के लिए इंडिया खुला होगा, हिंदू लोग के लिए इंडिया का जो नागरिकता ये खुला होगा। कभी इंडिया दुनिया का जो हिंदू लोग इंडिया आके जब चाहिए नागरिकता ले सकेगा। ऐसे इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया के 2016। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 ये इंडिया का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, इसका ऊपर सबसे बड़ा अटैक है, सबसे बड़ा आक्रमण है। दूसरा है कि तो हम लोग का जो जाति का ऊपर, भारत का जो जाति के, भारत का जो जनता के, इसका ऊपर सबसे बड़ा हमला ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ला के उस लोग ये बड़ा हमला लगा दिया के। इसीलिए असम का लोग लड़ रहा हूँ, हम लोग का लोग लड़ रहा हूँ कि कभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 लगा के जनता का, दुनिया का जो हिंदू लोग, हिंदू लोग का डस्टबिन बनाने के लिए हम लोग का इंडिया, हम लोग का भारत को हम लोग डस्टबिन बनाने के लिए कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं देंगे। ये मानने के लिए हम लोग काल से इसमें उपवास में को असम का लोग, हर लोग 70 ऑर्गेनाइजेशन, असम का जितना एथनिक ग्रुप से, असम का जितना नेशनलिस्ट ग्रुप है, असम का जितना ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, सब संगठन मिलके असम में बड़ा बड़ा आंदोलन चल रहा है। अभी हम लोग 70 संगठन मिलके दिल्ली में बैठ रहा हूँ, कल से पार्लियामेंट है। हम लोग पार्लियामेंटेरियन को बोलता हूँ कि आप लोग संविधान को सम्मान करना पड़ेगा, आप लोग सिटीजनशिप जो एक्ट है इसको सम्मान करना पड़ेगा, आप लोग कभी हिंदू का नाम पर इंडिया में सिटीजनशिप देने का जो तरीका लिया के इसको नहीं नहीं देना पड़ेगा, नहीं नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम लोग का ये आंदोलन चल रहा है। मैं आप लोग को मिनती करता हूँ कि आप लोग, हम लोग का जो उपवास है, आसामीज लोगों का, असम का लोगों का जो उपवास है, इसमें आ जाइए, क्योंकि धर्मों का ऊपर भित्ति करके जो नागरिकता देने का जो तरीका है इसको हम लोग रेजिस्ट करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग मिनती करता हूँ आप लोग भी आ जाइए हम लोग का साथ, हम लोग सब मिलके बीजेपी ने जो जो हिटलरी काम कर रहा है, जो फैसिस्ट काम कर रहा है, इसको रुकाने के लिए हम लोग एक साथ लड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद।